चलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां ओम प्रकाश राजभर बस्ती के सर्किट हाउस पहुंचे, जहां पर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर ओपी राजभर ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस नारे न गुंडा राज न भ्रष्टाचार पर प्रदेश की जनता ने वोट दिया था, लेकिन पूरे प्रदेश में 10 दिन के अंदर 56 हत्याएं हुई है। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसको साबित कर दिया सरकार ने, अपराधियों का साथ दिया और अधिकारियों से सांठगांठ की है। साथ ही जिस दल की भी सरकार होती है उसी की पुलिस होती है। कानपुर की घटना से ये साबित कर दिया है पुलिस अपराधी का साथ दे रही है और सरकार पुलिस का साथ दे रही है। जब कांग्रेस ने 100 बस मजदूरों के लिए दी थी तो 2 घंटे में उस गाड़ी का नंबर ट्रेस हो जा रहा था। तो जिस अपराधी के ऊपर 60-60 मुकदमे पंजीकृत हो, वो सरकार की पकड़ से बाहर क्यों? सरकार नारा देती है कि हमारे शासन में अपराधी या तो प्रदेश छोड़कर बाहर चले जाएं या जेल में है, तो फिर ये अपराधी कैसे? शुद्ध रूप से इस समय प्रदेश में कानून का राज नहीं, जंगल राज कायम है। सत्ता पाने के बाद जब लोगों ने सोचा कि हमको गुंडा राज और भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, तो सत्ता पाते ही इन्होंने जो पहला अक्षर था ना, उसको हटा दिया। पूरे प्रदेश में आपने देखा कि अभी 10 दिन के अंदर 56 हत्याएं हुई हैं। सरकार कहती है सबका साथ सबका विकास, इसको साबित कर दिया सरकार ने कि अपराधियों के साथ साठगांठ अधिकारियों का, अधिकारियों से साठगांठ सरकार का। जिसकी भी सरकार होती है, किसी दल की जिसकी सरकार होती है उसकी पुलिस होती है। और कानपुर की घटना ने यह साबित कर दिया कि पुलिस अपराधी का साथ दे रही है और सरकार पुलिस का साथ दे रही है।